नहीं गया तो ये अच्छी बात नहीं है, बाकी देखते हैं सब कुछ। तो भाई ये क्या है? कोई हंसा है भाई, कोई हंसा है। मेरा नाम है मोराज, मैं हूँ संजय वन। पार्ट टू बनाने काफी लोगों के कमेंट में डिमांड थी कि पार्ट टू, और इस वाली वीडियो में जाए कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा उस कब्र तक, तो जाऊंगा ही। तो आ जाओ ना भाई, किस बात का वेट कर रहे हो, चलो मेरे साथ चलते हैं अंदर। और इस बार चाहे किसी की आवाज आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, भगना नहीं है। और हमें ना लाइट आज ना 2-3 लेके आए हैं, ताकि ना पिछली बार हुआ था एक ही लाइट थी, तो हम काफ़ी मतलब एक लाइट खत्म हो जाती है। इस बार 2-3 लेके आए हैं, इस बार कब्र तक तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल भाई आप कैमरा थोड़ा नीचे की तरफ कर लो आप बस। हाँ, और आप भी कुछ दिनों पहले हॉन्टेड वीडियो बना के गए हैं यहाँ से, राहुल भाई है ना। हाँ, ये है कि उस दिन बहुत बुरा हाल हो गया था, फिर वो राहुल भाई भी गए हैं। और अभी तो मैं आज राहुल भाई के साथ आया हूँ, तो थैंक यू सो मच राहुल भाई। और सबसे अच्छी बात है कि राहुल भाई इधर ही रहते हैं ना, तो इसलिए फटाफट आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अभी राहुल भाई हम अंदर घुस रहे हैं, सही दिख रहा हूँ ना बिल्कुल। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है भाई, बारिश हो रही है, हल्की दिक्कत नहीं। हम गार्ड के जो रूम होता है ना उसमें रुक लेंगे। चलो फिलहाल तो स्टार्टिंग में इतना डर नहीं लग रहा, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो जैसे जंगलों का साउंड होता है ना। हाँ, जंगल साउंड्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बस जंगलों के साउंड्स को ही कह लो आप यहाँ पे। अभी तक तो यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी आ रही है। थोड़ा सा अंदर आया हूँ, थोड़ा सा अंदर आने का जैसे आपको पता ही है कि पहले दिखता है वो नाला, नाला दिखने के बाद वो दिखता है वो बोर्ड सा, और भी चले रहे हैं अंदर। और अभी तो फिलहाल आपको पता है स्टार्टिंग में तो सब शेर होते हैं, बाद में ऊपर शेर बन जाते हैं। ये वही नाला है वो हर वीडियो में दिखा के बोर हो जाएंगे आपको। थोड़ा जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी आओ, और पता नहीं क्यों जो मेरे कैमरे के पीछे भाई। लाइट और कैमरे में फर्क भाई, ऐसे क्यों पकड़ रखे अपने लाइट, ऐसे पकड़ लो ना। तो चलो ठीक है, अब यहाँ तक आ चुके हैं, अब मैं थोड़ा और अंदर जाऊँगा और बकवास करेंगे, देखते हैं। आओ, अब दिख रहा है मुझे कैमरा, आपने थोड़ा आगे किया तो। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ कहाँ से, गार्ड के रूम से, और उसमें गार्ड इतनी रात को है नहीं, उसका सामान वामान टंगा हुआ है। बाकी अगर यहाँ पे आने के बाद छोटी नाश देखते हैं इस तरफ तो हमें जाना, हम जाएंगे किस तरफ पता नहीं, किस तरफ बस चले जा रहे हैं। और वीडियो थोड़ी ख़राब बने तो माफ़ी चाहूँगा, जो कैमरे के पीछे वो नए नए हैं, अभी नया नया काम मिला उनको। आ जाओ, हम क्या करते हैं जल्दी आओ। अभी तक ना, अभी लगभग हम 1 किलोमीटर तक आ चुके हैं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि तो डरावना सा अभी तक तो नहीं लगा मुझे। बाकी अंदर जाके देखने के बाद ही पता लगेगा कि भाई सच में यहाँ पे क्या सीन है। और हर तरफ की बात सुनो तो हर तरफ के जंगल ही जंगल, जंगल जंगल। अगर जैसे अभी तो रोड पे हैं, अगर मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ ना, अगर मुझे कोई क्या देखे इसके अंदर चले जाओ तो भाई नहीं जा सकता इंसान, क्योंकि जंगल ही जंगल है। और इधर दिखाऊँ तो ये है, बाकी अब चल ही रहे हैं, देखते हैं। वो जो मुझे मेन वहीं जाना है उस कब्र के पास, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे उस कब्र तक जाना है। और लास्ट वीडियो में तो ये हुआ था कि यहाँ पे बच्चों की रोने की आवाज़ तक आई थी, इस वीडियो में अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, और ना ही मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बाकी चल ही रहे हैं, बट ये जो लाइट है, बस लाइट जो हमने ले रखी है वो हमारा साथ दे, तो हम कहीं तक भी चले जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया अंदर आते आते, अभी ना कब्र का ही नहीं पता लग रहा कि कब्र किस तरफ है। और यहाँ पे ना अजीब अजीब सी आवाज़ें से तो आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं बहुत देर से कि हमें कोई फॉलो कर रहा है, और बहुत देर से कुछ लाइटें हर जगह में जल्दी जल्दी दिख रही हैं। वो अभी तक तो मैं कैमरे में रिकॉर्ड होते हुए तो नहीं दिखा एक बार भी, मैं हर तरफ इसलिए देख रहा हूँ, मैं कैमरे की तरफ इसलिए भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं हर तरफ नज़र रख रहा हूँ कोई हमें कौन फॉलो कर रहा है, वो दिख जाए एक बार। तो एरोप्लेन की आवाज़ है, लाइट जल्दी इधर कहीं लाइट जली थी ना। देखो इधर करना, ये देखना पूरा रास्ता सा गया हुआ है अंदर की तरफ। लाइट दिखाना मुझे, लाइट दो, लाइट
देखो पूरे अंदर ना रास्ता बना करे, और यहाँ पे ना थोड़ा पीछे करना, यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी जैसे हमें लगा कि कोई लाइट जला के ना अंदर की तरफ भाग गया जंगलों में, तो अब ना यहाँ से कब्र की तरफ निकल रहे हैं बस फटाफट। हमें जैसे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई फॉलो करने की कोशिश कर रहा बार बार, अब ये नहीं पता कि कौन फॉलो कर रहा है, चोर वोर तो नहीं है, भूत वूत तो लाइट नहीं जलाएगा, चोर वोर ही लाइट जलाएंगे यार। अभी तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि अंदर कुछ है, बट हाँ जैसे ना कुछ अजीब से, और एक दो बात ये भी कि यार कोई हमें फॉलो कर रहा है ये तो हमें पता लग गया, बट हाँ हमें उस कब्र तक जाना है, क्योंकि यार हर वीडियो में ऐसा हो जाए कि कोई कब्र तक नहीं गया तो ये अच्छी बात नहीं है, बाकी देखते हैं सब कुछ। भाई ये क्या है, कोई हंसा है भाई, कोई हंसा है, हंसा है यार, इधर अंदर 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 नहीं जाओ, अंदर नहीं जाओ आप, ऐसी क्या बात है, एक सेकंड और किसी औरत की ऐसी क्या आवाज है, कौन है, देख के थोड़ा सा दूर के, बहुत सावधानी से भाई, ये कोई औरत हंसी है, कोई औरत की हंसने की आवाज है, और बहुत क्लियर, बहुत आपके करीब से आवाज है। एक बार मैं आपको इधर एक बार इधर रोड दिखाने चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी कोई कोई बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, और ये सच में भाई किसी औरत के हंसने की आवाज है, ये रोंगटे खड़े हो गए भाई, ये देखना, इधर करना यार, ये देखो, ये देखो मेरे भी पूरे रोंगटे खड़े हो गए हाथ के, और भाई राव भाई मेरा तो मन कर रहा है ये आवाज आई है इस तरह, ओम भाई नहीं अंदर नहीं जाना है, आप बाहर चलो यहाँ से प्लीज, यार चल लो ना, नहीं ओम भाई, या तो कोई हमें डरा रहा है, एक सेकंड ऊपर देखो यार, यार ऐसे मत डराओ, ऊपर करना कैमरा, ऊपर तो कुछ नहीं है यार, कौन है, कोई नहीं है यार, नीचे करना, ऊपर कोई नहीं है, ये आवाज इधर से ही आई है भाई, आप इधर से जंगल देखो यार, प्लीज यार जंगल देखो आप, लाइफ रिस्क मत करो यार, प्लीज लाइफ रिस्क मत करो मेरी, मानो अब ना बस मुझे उस कब्र तक चलना है, उसके बाद यहाँ से निकलो, फिलहाल यहाँ से निकलो बट कब्र तक जाना, क्योंकि हर वीडियो में कब्र तक नहीं जा रहे, कब्र तक चल रहे, रोंगटे अभी भी खड़े हैं, और लाइट पकड़ोगे आप, तो यार अब ना बहुत चलते चलने के बाद अभी तक तो कब्र तो नहीं मिली मुझे, बट हाँ मुझे ये पता है कि ये जो पहाड़ था ना इसके उस तरफ ना कब्र है, मतलब इतना ही पता है, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, तो एक बार ऊपर तक चल रहे हैं, थोड़ा संभल के आना, आ जाओ आप अकेले, आपको लाइट ही पकड़नी पड़ती है, पहले फिर आपके ठीक, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ना तो बड़ा ईजी चल रहा है, कुछ आपको ना दिक्कत होगी, चलो आ जाओ, लाओ मेरे को पकड़ा दो, कुछ पकड़ा दो, लाइट पकड़ा मेरे, आ जाओ यार, देखो मैं यहाँ, आप दो मिनट के लिए कैमरा बंद लाओ, हाथ दो कैमरा बंद करना पड़ेगा, कोई नहीं आप ना बिल्कुल जो कहते हैं ना पहाड़ी जो यहाँ का, देखो नीचे पहाड़, उसके बस पीछे ही है वो, क्या नाम है, कब्र सी, तो वहाँ आप उतरेंगे, और सच बताऊँ तो यहाँ आने आने में ना मैं और मेरे जो भाई पीछे कैमरे हैं फट के हाथ में आ गई है लिटरली, और काफ़ी जगह ऐसे लगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है डर सा, ऐसा कई जगह आहट सी हुई, तो फिलहाल हम उतरेंगे नीचे की तरफ यहाँ से, वो जाएंगे कब्र के पास, तो आपको मिलते हैं, क्योंकि यार चढ़ते टाइम में बहुत दिक्कत हुई थी, उतरते टाइम भी होगी, राहुल भाई एक काम करते हैं अगला टेक ना कैमरे वहीं लेंगे, क्योंकि यार क्योंकि उतरते टाइम दिक्कत होगी, फिसल सकते हैं तो उस नीचे तक नीचे ही लेंगे, एक काम करते हैं, आ जाओ यहाँ तक आ जाओ, आगे का दिखा देता हूँ, कोई है क्या, देखने को जल्दी जल्दी देखो, देखने कोई है भाई, झाड़ी में कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो मुझे लगा ऐसा कोई है, ये देखो ये इधर पीछे हो जाओ, अब क्या फ़ायदा वहाँ जाने से, एक काम करते हैं हम दो लोग हैं इस, तो मुझे ना सच में बताओ जैसे क्या पता कुत्ता उत्ता हो, हवा भी चल रही है, अब ये कौन हिला रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे
या सियार की अगर आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, सियार चिल्ला रहे काफी काफी तेज़, ये देखो ये उस तरफ चिल्ला रहे हैं, जंगल काफी बड़ा है। राहुल भाई अब नीचे उतरते, कैमरा रोक के उतरे क्योंकि भाई उतरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुझे कैमरा और लाइट पकड़ा दो। चलो तो चल, बहुत चलने के बाद ना फाइनली मैं वहाँ जो कहते हैं यहाँ की हॉन्टेड जो प्लेस है वहाँ तक आ चुका हूँ। मैं भाई से बोला थोड़ा और आगे चलते हैं, जो मेन भाई वहाँ दिखाता हूँ आपको। आ दो अब ना जो यहाँ के मेन हॉन्टेड प्लेस है ना, वो जो कहते हैं जहाँ से मतलब कुछ देखता है लोगों को, देखिए यहाँ की होमी आई थी है ना, तो यहाँ पे ये जगह हॉन्टेड है। और यहाँ पे दो कब्र हैं, एक है तारा की, कहा जाता है एक तारा की है और एक है उनके हस्बैंड की। मैं थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ भाई से बोलूँ कि और ऊपर आ जाओ। हाँ, मैंने जूते पहने हुए तो इसके अंदर हम जाएंगे नहीं, किसी के मजाक का है किसी कुछ का हम मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो एक बार मैं लाइट पकड़ाना मुझे, आ जाओ कैमरा मैन भैया, आ जाओ थोड़ा सा अंदर से दिखा दूँगा मैं आपको एक बार। तो देखो अंदर से आपको कब्र दिख रही होगी, ये ना दो कब्र है यहाँ पे, ये हॉन्टेड प्लेस है। इसके अंदर तो नहीं जाएंगे हम, ये कुछ ऐसा है, ये देखो अब पकड़ने एक बार। तो चलो मैं यहाँ की थोड़ी सी ना हिस्ट्री के बाद बात करता हूँ, सही आ रहा हूँ मैं अपना काफी ऊपर ले जाऊँ थोड़ा सा। मैं बात करता हूँ यहाँ की हिस्ट्री की, देखो दिख रहा होगा आपको कब्र देख के, एक ना पुरुष की और एक महिला की कब्र है। तो कब्र में बताया जाता है कि जैसे बहुत हिस्ट्री है यहाँ की, तो अभी बिल्कुल कोई क्लियर नहीं बताता है। कहते हैं कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक तारा की कब्र है और एक उनके जो हस्बैंड हो चुके थे। तो कब्र का सीन है बताऊँ क्या हुआ था, सीन ये हुआ था कि जो तारा थी वो किसी की बहन थी, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई बवाल नहीं करना चाहता। तो सीन ये हुआ था कि उनको ना मेले में जब तारा गई थी घूमने, तो वो उनको ना किसी लड़के से प्यार हो गया था, तो उन तारा के और उनको उनके घर वालों को मतलब ये समझ लो छोटा सा रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। तो फिर लड़ाई हुई, लड़ाई में बहुत मतलब युद्ध हुआ उस टाइम। तो युद्ध में ये सीन हुआ कि जो तारा को वो जीत तो गए, वो तारा को ले जाने लगे, बट जब जाते टाइम जब घोड़े पे वो लड़का जा रहा था तो किसी ने तीर से मारा और वो लड़का वहीं मर गया। तो उसके बाद जो तारा थी ना उसने कहा कि मैं अब यहीं सती लेना चाहती हूँ, मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि महल से जितनी भी चंदन की लकड़ियाँ हैं ना वो ले आओ, मैं अब यहीं मर जाऊँगी, मतलब यहीं सती ले लूँगी। तो उसने ये कहा था कि अब मैं यहीं मर जाती हूँ। मैं इतनी बार इसलिए बोल गया क्योंकि कुछ ना अजीबरी सी आवाज़ आ रही है मेरी भी लगी पड़ी है लंका। तो ये सीन हुआ था, फिर उसने यहाँ पे सती ले ली थी। उसके बाद कहा था कि ये कब्र उसकी है और एक चीज़ यहाँ पे और है, और एक जो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो घोड़े की कब्र कहते हैं, अब ये नहीं पता वो रियल है कि फेक है। ये दिख रहा है आपको, ये वाइट वाइट तो दिख रहा होगा पत्थर के ऊपर, ये कहते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था ना उसकी कब्र से बना रखी है। बाकी मैं आपको अगर इधर का दिखाऊँ, पूरा जंगल टाइप है। मेन यहाँ पे आते मैं बताऊँ तो मुझे लग गया लगभग 2.5 से 3 घंटा, क्योंकि जंगल के अंदर आपको सबको पता है कि कोई रास्ता नहीं पता लगता, यहाँ का तो मैप भी काम नहीं करता और ऐसा बार बार लग रहा है कि जैसे उधर से कोई देख रहा है। हम ना थोड़ी देर और रुकते हैं यहाँ पे और थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं सच में कुछ ऐसा होता है या नहीं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो बैठते हैं। काफ़ी देर हो गया मुझे बैठे बैठे ना, जैसे कुत्ते की आंखें दिख रही है ना दूर से, तो ऐसा जैसे हमें कोई देख रहा है। और मैं सच बताऊँ ना तो 5 लड़के यहाँ से यूँ ना फ़ोन के टॉर्च के जला के यूँ ऊपर से गए, मैंने उनको देखा तो हमने सब कुछ बंद कर दिया। अब वो 5 लड़के यार रात में लगभग बजे क्या करने गए हैं वो समझ ही सकते हैं, यहाँ पे सीना झपटी वाले केस बहुत होते हैं, इसलिए हम साथ बैठ गए क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। अब वो चले गए हैं तो यार मुझे लगता है अब ज़्यादा देर बैठना यहाँ पे सेफ़ नहीं है, वरना कैमरा वामा छिन जाएगा जैसे हमारी वीडियो में कहता हूँ, बाकी की वो नहीं आ पाएगी। कोई है तो नहीं, ऐसा बार बार ना यहाँ पे ऐसे ना साउंड वाउंड सा तो आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा है हमें। तो यार अब क्या करते हैं ना, अब ना बहुत देर हो गई मुझे बैठे बैठे, यहाँ पे कुछ मतलब वो ऐसा एनर्जी था तो वैसे फील तो नहीं हो, बट एक बात बताऊँ यहाँ पे आके बैठ के ना जैसे पूरा आपको समझ सकते हो ठंडी का माहौल है, ठंड हर जब पूरे घर जंगल में रात के टाइम बैठोगे तो ठंड लगेगी। रात को एक बजे हम घर में रजाई लेके सो रहे हैं आजकल, बट मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा था गर्मी से लग रहा है। तो कुछ नेगेटिव एनर्जी का असर है क्या है वो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके। बाकी अब मैं यहाँ से ना निकलता हूँ बाहर की तरफ और चलते हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा, अब बाहर जाके जाते हुए वीडियो ख़त्म करेंगे। आओ चलते हैं बाहर।
ये पूरी हॉन्टेड जगह है। मेन मेन जो हॉन्टेड जगह कहते हैं ना वो यही है। तो अब ना यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ से ना हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आए क्योंकि ना वहाँ पे काफ़ी डर लगा रहा था, वहाँ पे रिकॉर्ड हमने नहीं किया। रात काफ़ी हो गई, नींद काफ़ी है, थक चुके हैं और ना निकलते टाइम नहीं पता लग रहा कि निकलना कहाँ है। तो भाई आ जाओ। अपना मन सा ना उदास सा हो गया है कि यार निकले कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा जंगल जंगल ही दिख रहा है। और पता नहीं यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई हमें देख रहा है और हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे सच में। और इधर की तरफ मैं दिखाऊंगा ना झाड़ियों की तरफ, देखते टाइम ना हमें ना पता नहीं क्यों है डर सा लग रहा है। मेरे जो पीछे भाई कैमरे गए ना वो पता नहीं क्यों डर गए, तीन चार बार तो वही डर गए। उन्होंने वो बस सीएम का कहना यही है कि बस बाहर ले चलो मुझे, अब नहीं बनानी वीडियो। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से और करता हूँ। और मुझे ना सच में समझ में नहीं आया कि वो जो हंसी की आवाज़ है वो कहाँ से थी, बस मुझे एक थोड़ा सा वही लगा, लास्ट बार बच्चों की रोने की आवाज़ आई थी और इस बार वो हंसी की आवाज़। भाई वहाँ की कसम कोई एडिटिंग नहीं है, सच में आई है आवाज़, सच में किसी महिला की आवाज़ थी और सच में हंसी की आवाज़ थी। मैं तो कह रहा चले बड़े राहुल भाई की ना वो कहते मत जाओ और लाइफ रिस्क मत लो। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपको क्या लगता है मुझे बताना। और नेक्स्ट हॉन्टेड वीडियो कहाँ की नहीं बनानी मुझे, हॉन्टेड थोड़ा कम्प्लीट बनाऊँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आंखों में नींद इसलिए लग रही है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, बस ख़त्म करता हूँ, बाय।